हेलो, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि पीसीएस। देखिए, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने आखिरकार जारी कर ही दिया जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो नोटिस भर्ती बोर्ड ने जारी कर दिया। तो चलिए, इस नोटिस के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सिविल्स गैलेक्सी वाई दृष्टि वर्मा, जो कि अब दृष्टि पीसीएस हो चुका है। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए, फटाफट बिना देरी किए आपका भी मैं हार्ट बीट्स नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, जल्दी से हम देखते हैं। देखिए, इसके देखिए ये जो दिया गया है ना, जब आप भर्ती हुई यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहला इसमें दिया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश क्रम में भर्ती बोर्ड 2013 के अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र हेतु लिंक यहां से क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर जो उसके लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए, ये है, ये उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है, इसमें लिखा हुआ है कि आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती रिट याचिका जो रिट लगाई हुई थी मनोज कुमार व अन्य ने, तो वो उसके तहत ये 13 अगस्त को सूचित कर दिया गया था। तो उसके तहत ये देखिए, यहाँ पर पूरा ये डिटेल में लिखा हुआ है कि कहाँ पर आपको क्या करना है। ये आरक्षित, ये समान श्रेणी, इतने पुरुष से भूतपूर्व सैनिक, महिला, आरक्षी महिला, ये सब पूरा। और हाँ, इसमें जो मेन बात जानने वाली है वो ये है कि आपको कहाँ जाना है, आपका सेंटर कहाँ पर होगा। तो बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना आपको 5 नंबर पर देखना है। बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना विज्ञप्ति संख्या PRPVFA, ये दिया गया है दिनांक 14/5/2013 एवं दिनांकित 20/6/2013 में दी गई प्रतिक्रिया के अनुसार दस्तावेजों की जो संवीक्षा चिकित्सा प्रवेश पत्र 8 जनपदों इलाहाबाद, आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी, तो 28/8/2018 से प्रारंभ होगी। तो आप अपना एडमिट कार्ड जल्दी से फटाफट से देख लीजिए, जैसे ही एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा तो ये आप अपना देख लीजिए कि आपको किस डेट पर जाना है और आपका कहाँ पर सेंटर पड़ा है। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जो 2013 की वैकेंसी इसका वेट कर रहे थे। और कुछ सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला कि शायद 2015 का भी कुछ जो सेकंड कट ऑफ है या फिर जो सेकंड लिस्ट है वो आने वाली है। तो जैसे उसके बारे में मुझे कोई सूचना मिलती है मैं तुरंत आपको आगाह कर दूंगी। और उसके बाद आप सभी को पता है क्या करना है, आपको मेरा वीडियो शेयर करना है। और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।